ये मालवानी चर्च के बाहर जल्दी आओ। हाय गाइस, हाँ गुड इवनिंग, दिस इज हेमा चौधरी। आफ्टर 6 days ऑफ आइसोलेशन, टुडे अगेन आई एम मेकिंग ए नाइस ब्लॉग फॉर यू गाइस, नाइट ब्लॉग। रात को मैं अपने मेरा जो ट्रस्ट है बेजुबान, जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं, आज मैं आई हूँ, मैं और मेरे भाई आए फीड करें लड़कों के साथ। आज मड आइलैंड के मलाड एरिया में स्ट्रीट डॉग्स को जो फीड करें वो आपको लाइव दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। हाय नमस्कार, दिस इज हेमा चौधरी। मुझे मजबूरन आज घर से निकलना पड़ा। आई वॉज एंटीजन में पॉजिटिव, बट 6 days में आइसोलेटेड होके आज निकल पड़ी हूँ घर पे। कल जो मैंने वीडियो डाला था उस डेज पे, ये मालवनी पीछे से शुरू हो गई है। ये मेरा एम्बुलेंस है, ये यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये गाड़ी में बेटा लाइट है तो जला पीछे का। ये यहाँ पे 14 गोनी खाना बना के मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे सारे ऐसे आधे भर भर के 75 किलो राइस एंड 50 किलो चिकन के कड़ी पीस बना के रोज कुक करके यहाँ से। कुकिंग का भी मैं काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ। अब ये मड आइलैंड अभी तक पहुँचे नहीं है, मतलब अच्छा भी दाना पानी भी, जो आइसोलेटेड पूरा बीच एरिया है। ये हंसता खेलता एकदम रोड है अभी भी। मुंबई में वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू लग गई है 10 बजे के बाद, 5 से ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, जेहेतु एनिमल वेलफेयर से है, फीडिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है एम्बुलेंस में। ये आप देखो, ये राजू ऐसा जैसे रोड से गुजरते जाते हैं। हम बोलते हैं मड आइलैंड में बहुत सारे डॉग्स हैं, मड आइलैंड के रास्ते में जाते हैं जो एक एक दो दो तीन तीन। अभी जैसे राजू ने एक को खाना दिया, 4 और निकल आए, तो ये कल वेट करेंगे। मतलब ये 75 किलो राइस और 50 किलो चिकन के कड़ी पीस भी कम पड़ता है। अभी इसकी गुत्थी सुलझ जाए, फंड इकट्ठे हो जाए, उसके बाद शायद इसके डबल भी, मतलब किसी और को भी यूनिट आनी पड़ेगी। एक डॉगी भी भूखा रह जाए, एक भी। वो देखिए मदर लीटर वाली लैक्टेटिंग मदर एक डॉग है। ऐसे रोड क्रॉस कर करके, इसीलिए रात को आते कि थोड़ा ट्रैफिक कम हो, बट कर्फ्यू सिर्फ नाम के। वो दूध वाली को दे, माँ को दे माँ। ऐसे मैंने पिछले लॉकडाउन को भी आपको सब वीडियोज दिखाए, अभी भी देखो, मतलब ऐसे ऐसे फीडिंग करते देखो। ये एक एक कचरे के डब्बे के नीचे नीचे एक एक जगह पे कम से कम 8-10 कुत्ता है। ये वैन देख के सब भाग के आते हैं। रास्ते में जाते जाते 2-3 गोनियां खत्म हो जाती, मतलब वहां तक जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बार बार हर वीडियो में बोलूंगी कि अपने आंखों से आके देखें वॉलंटियर्स जो मुंबई में है, और जो आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई में डोनर डोनेट करना चाहते हैं वो भी एक दिन आए। इट्स ए गुड ड्राइव, गुड एक्सपीरियंस। आप देखिए आगे के बच्चों का क्या हालत है। आज मैं और दिखाती हूँ आगे चल। शुरू हो गया मड आइलैंड का, हमने राइट किया INS हमला का एरिया, जहाँ से हम एंटर करते हैं आगे चल के। पूरा आर्मी एरिया है और यहाँ पे कोई फीडर नहीं, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 दो ही। राजू वहाँ पे फीड कर रहा है, ये एम्बुलेंस है हमारा, और राजू वहाँ पे ऐसा गोली ले लेके रास्ते में फीड कर रहा है। रास्ते में जाते जाते ऐसे यहाँ से लाइन से गिनती शुरू करोगे आप, एक एक जगह पे 13-14 डॉगी हर एक जगह पे। और ये एकदम जंगल एरिया है, आसपास पूरा अंधेरा है। पप्पू दिखा, यहाँ पे कोई फीडर नहीं है रास्ते, मतलब हम नहीं खाना देंगे तो ऐसा कूड़ा कचरा भी नहीं है। जिस चीज़ के लिए मैं रोई हूँ कल वीडियो में, वो आपको दिखा रही हूँ कि ये सिर्फ इंतजार करते, जिस दिन खाना नहीं देंगे रात भर रात भर से अंधेरे में लोग बैठे रहते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई पब्लिक प्लेस भी नहीं है, ये प्राइवेट एरिया है। वहाँ पे आगे नाकाबंदी भी था, यहाँ पे कोई लोग भी नहीं, रात से पहले जंगल के अंदर ऐसे राज्य से जंगल में, जैसे वो डॉगी है डर के मारे नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। ऐसे एक एक बच्चे जंगल के अंदर बच्चे देते जाके, लीटर्स है जंगल में। तो ये टास्क है यहाँ पे फीडिंग कर रहा। मैंने पिछले लॉकडाउन में भी आपको बहुत दिखाए थे यहाँ पे, अभी आपको आगे भी दिखाऊंगे। आगे बीच एरिया आएगा, बीच में तो एक साथ 70 डॉग्स है, वो भी दिखाऊंगी। बट जो अंदर जाते जाते एक दो डॉगीज दिखते हैं जो इंडिविजुअल, उनको खाना पीना सबसे ज़रूरी है। बिकॉज जो अगर कोई फीडर भी जाएगा, कोई देगा भी झुंड में, 10 कुत्ता देख के आदमी रुक जाएगा। एक दो जो जंगल में छुपे रहते हैं
इनका कोई उनको कोई खाना देता नहीं है। कैचा है, कैचा है। अच्छा पहले खाना खाओ फिर उसके बाद हेलो हाय कर लो। ये लोग मुझे पहचानते, मैं दिन में खाना खिलाते जाती हूँ ना। ये देखिए जंगल एरिया से गुजरते जा रहे, आज मैं सब कुछ दिखा रही हूँ। ये कितने खुश होते हैं देखो, ये हट्टे कट्टे स्टेरलाइज बच्चे हैं। जो लोग बोलते हैं एबीसी कंट्रोल करो, खाना मत दो, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं टाइगर होते हैं वो खाना छीन के खाते हैं। अरे बेटा तू पहले खाना खा। तो ये एक एक साइड पे दो चार लैक्टेटिंग मदर भी है, दूध वाली। जो लैक्टेटिंग मदर का मतलब है जो लोग नहीं हो, जो दूध वाली माएँ हैं जो जिनके बच्चे होंगे अंदर, वो खाना खाने आते हैं और बच्चों को जाके दूध पिलाएंगे। देखो कोविड में मैंने इनको सिखाया है लाइन से खाना खाते ऐसे। हाँ बेटा खा खा, अब कुछ घूम करके दिखा। देखो चिकन राइस बना के लाते हैं हम लोग, खाओ बच्चा खाओ। तो इनको खाना ना दे के कैसे सुकून आएगी। मैं 31st के दिन रात को स्टाफ आ नहीं पाया, मेरे एक लड़के की माँ की देहांत हो गई, राजू के भाई की विवियन बच्चों की आकस्मिक मौत हो गई थी गाँव में, तो राजू था नहीं। मेरे जो तीन लड़के हैं अभी भी एक गाँव में, तो न्यू ईयर के दिन यहाँ पे भीड़ भाड़ होगा। मैंने कहा आज खाना स्किप कर, तो मैं शेल्टर में थी बच्चों के साथ। 2:30 बजे जब मैं वापस जा रही थी उस दिन, तो सारे लाइन से बैठे थे। तो यकीन करो मुझे, रात को ऐसा कौन सा न्यू ईयर है जो बच्चे रात भर बैठे रहे। तो 365 डेज मैं यहाँ पे खाना खिला रही हूँ, खाना खिलाऊंगी, खाना खिलाना चाहती हूँ, पर मेरे भी कैपेसिटी के बियॉन्ड माई कैपेसिटी। बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकती हूँ। एंड आई होप आप डोनेशन भेजोगे, फंड भेजोगे, फंड रेज के लिए ट्राई करोगे इनके लिए। एंड एनीबॉडी मोस्ट वेलकम टू कम एंड सी फीडिंग। वी नीड वॉलंटियर, दो जन से तीन चार जन हो गए, उस तरफ भी दे सकते, इस तरफ भी दे सकते कभी भी। अरे मुझे गिराएगा बे, मुझे ही गिरा, मुझे ही गिरा। अब हम आ गए, ये अक्सा बीच का लेन है, दी रिजॉर्ट होटल है, वहाँ से पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है। तो देखिए जो रिजॉर्ट होटल वाले हैं वो हमें एम्बुलेंस वहाँ से घूम के आते हैं। ये एक साइड में इन्हीं डॉग्स के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ आपको। लास्ट लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारे वीडियोज डाले थे। ये एक एक साइड में, ये बीच का लेन है, जैसे देखो खाना कैसे डालते हैं, एक साथ डालना पड़ता है, नहीं तो झगड़ा करते। जो गैंग वाइज है, जो यहाँ के डॉग्स हैं उनको खाना नहीं खाने देते। ये प्राइवेट एक लैंड है जो बाहर से कर्फ्यू के मारे क्लोज कर दिया है, जो पब्लिक आ नहीं सकती। अक्सा पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे अंदर से लेके यहाँ से गिनो तो कम से कम 150 डॉग्स है यहाँ पे। ये लेन में अभी खाना खिला रहे एक साथ 30-40 ऐसे पाँच भाग में जाके आगे आगे एटलीस्ट 110-120 डॉग्स आर देयर Who's actually only depend on my food, मेजुबान के खाने पे। अगर इनको एक दो दिन गैप दिया जाए, तीसरे दिन ही अपने आप मर जाएंगे। स्पेशली वो कुत्ते जो ओल्ड एज है, जो चल नहीं पाते, स्पेशली वो मदर डॉग जो लैक्टेटिंग है, दूध पिलाती है, पप्पीज आर वेटिंग। देखिए अभी फीडिंग कर रही हूँ, अभी ये बच्ची आई, इसका गला पूरा देखिए पूरा सड़ गया है। बाप रे इतना लगा है तुम्हें, खुद ही मेरे सामने आई, खुद ही ये हो क्या हो बेटा, स्मेल भी आ रहा है। ओम माँ गोदी में आओगे, अच्छा आजा 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 गोदी में आजा 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 सो ना, जल्दी ला नियोमेक की गोली मिला। अभी यही चक्कर है ना, तो एक पेट एक मील खाने के वांदे, ऊपर से इनको भगवान जब देता है ना, अभी जल्दी दे आई वॉमिटिंग और नियोमेक, नियोमेक है ना गाड़ी में, नियोमेक भी खिला क्योंकि बहुत बुरी बुरी तरह से जख्म है। जल्दी अच्छा खाना भी देगा ना, ए खाना लेके आ राजेश, खाना ले आ जल्दी। नियोमेक की गोली जल्दी दे। अक्सा बीच का जो अभी वापस से बस, रुको रुको तुमको, रुको रुको उसको खाने दो, उसको लगा है चोट यार, रुक जल्दी खा ले चिकन ले 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 इसको, यहाँ पे ऐसा ही है ना, दे जरा जल्दी ला। अभी यहाँ पे एक ये कमजोर है, इसको थोड़ा बाटी में लाके इसको खिलाना अलग से, इसलिए तो मैं बोल रही थी मैं। अभी यहाँ पे जो स्टॉल्स है, जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बंद है कम्प्लीटली। आप आओ देखो, एक आपको उस तरफ दिखाया मैंने, एक साथ 30-40 डॉगी ले, इसको पहले खाना ऐसे खिला देगा, खा जिसको थोड़ा खाना भी खिला, कीड़े पड़े ना तो खाना भी खिला थोड़ा अपने हाथ में, आ जा बेटा कमजोर है।
अभी ये जो कमजोर डॉगी जैसे हाथ से खाना खिलाना पता नहीं पूरा बंद है पूरा। आप बोलते हो ना कि रोड से आते हुए आपको भीड़भाड़ एरिया भी दिखा मैंने, अभी आपको पूरा ये हम ही आ पाते हैं यहाँ पे, कोई अलाउड नहीं है पब्लिक और आना भी मत, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ पे। और देखो एक साथ एक जगह पे कम से कम 30 से 40 जगह पे पूरा गोली देना पड़ता है, किसी के पेट में जाए नहीं जाए, फिर इनका इलाज, इनको स्टेरिलाइज करवाना, ये कभी बीमार है स्पॉट ट्रीटमेंट करवाना। अभी बीच के अंदर भी डीप इनसाइड भी बहुत सारे डॉग्स हैं, और आप पूरा एरिया जूम करके घुमा लो, एक बोलते ना कुत्ता नहीं है कुत्तों को छोड़ के, कि इंसान का नामो निशान नहीं है, तो कहाँ कचरा कहाँ झूठा कहाँ क्या कोई खाना खिला पाएगा। ये हमारी इसको देना थोड़ा सा, जिसको मैं बोल रही हूँ उसको देना बेटा, वो पीछे पीछे कमजोर है राजेश, कटोरी में उसको देना थोड़ा खाना। तो ये गाड़ी आती है ये रोज रात को 3:30 आज मैं आई हूँ, थोड़ा बीमार लगी पड़ी, तो लड़के पहले मैं ज्यादा से ज्यादा लेट नाइट भेजती हूँ, जितना लेट नाइट होता है इंसान की आता जाता जो कम रहता है, तो गाड़ियाँ ये बच्चे ऐसे भूखे रहते हैं। यहाँ पे खारा पानी, यहाँ पे तो पानी भी नहीं, पानी भी देना पड़ता है, कोई फीडर नहीं है। अब इसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या यहाँ पे जिस दिन गाड़ी नहीं आएगी, क्या ये बच्चे इतने सारे जानवर मतलब जान, इनको भी भूख लगती है, पूरा परिवार के साथ इंतजार करे, क्या इनको भूखा रख सकते हैं हम लोग, नहीं रख सकते। इसीलिए कल वीडियो में आंखें नम हुई थी कि घर पे जब पता चला बच्चे वेट करे और खाना नहीं भेज पाई थी, बाद में शेल्टर से राजू कल दाना लेके आया था ना, दिया था दाना, कल दाना ही भेज दिया था शेल्टर से लाके, बिकॉज मुझे रोते हुए देख के लड़का बोला मैं खाली हाथ जाऊंगा नहीं, तो आज चिकन राइस इनके लिए लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ जिंदगी भर इनको एक मील एक ही बार रात को, पूरे दिन इंतजार करते खाने के लिए। जा रहे बीच डीप इनसाइड अक्सा बीच है मुंबई का, रात को बज रहा है 12, सो गया ये जहाँ सो गया आसमां पर, हेमा चौधरी और उसके तीन बेजुबान ऑफिशियल बेजुबान ट्रस्ट और एक छोटे छोटे बच्चे भूखे बच्चे, इनको खाना खिलाना देखा। देखो आप जहाँ पे ये है अक्सा बीच के अंदर, ये अक्सा बीच के अंदर जो दिन के मेरे बहुत सारे वीडियोज है पिछले मेन जो लॉकडाउन जब था फर्स्ट वेव में, ये बीच के अंदर दीप समुंदर के बीच के अंदर आए हैं, आधा किलोमीटर चल के कम मेन रोड से दी रिजॉर्ट होटल है वहाँ पे आपको दिख रहा है, जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा ये 5-star दी रिजॉर्ट होटल है। उसके बाहर ये देखो बीच के अंदर के बच्चे देखो जो फीड करते हैं, अब बताओ रोड पे कोई खाना नहीं देता है, ऊपर से लॉकडाउन ऊपर से कर्फ्यू लगा है, पहले उनको आने दो, छोटे दोस्त है कमजोर दोस्त, डीप इनसाइड बीच में मतलब बैठे रहते कोई खाना, यहाँ पे मुश्किल से 15-20 टॉले ही है जो अगर चलता भी है, जब बिना लॉकडाउन के मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ, तो क्या होता है वड़ा पाव बिकता है, चिप्स बिकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बिकता है, तो ऐसा कोई डॉग्स के लिए अनलॉक में भी खाना पीने का प्रबंध नहीं है। कैसा है बेटा इधर है इधर है मेरा पुराना उसके पीछे पड़ गया। तो ये है हमारी नाइट फीडिंग 365 डेज फीडिंग, बट वी नीड बिटवीन हेल्प फ्रॉम दी अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज लड़के अलग पलट के कभी रात को स्टाफ और बढ़ाना पड़ेगा, दो लड़के और रखने पड़ेंगे, बिकॉज दिन में भी ये फीड करते हैं रात को भी ऐसे ही, मतलब कम से कम 250 से 300 से 400 रोज का बिल्लियां हैं जगह जगह पे कोने कोने में। ये राजू खाना दे रहा है, ये राजेश बेजुबान, ये राजू बेजुबान, मायसेल्फ हेमा चौधरी सी। अभी डीप इनसाइड बीच के अंदर इतने सारे बच्चे ऐसे खापा के खाना घूम करके दिखा, इसमें से देखो एक डॉगी का राजू, उसको कब बच्चा हुआ, कब का बच्चा भी दूध इतना लटक रहा है, तो उसको देख के ना मुंह काले काले बच्चे सब सूख गया पेट, वो देखो दो, ये देखो दो लैक्टेटिंग मदर, एक वो है एक वो है, तीन चार जन। अभी ये नहीं खाना खाएंगे, अभी ये जब खाना खाएंगे फिर हेल्दी रहेंगे। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत अच्छा था आज का जर्नी, नाइस ब्लॉग, नाइट ब्लॉग, कर्फ्यू ब्लॉग, मुंबई में चिली क्लाइमेट एंड विथ ऑल माई बेबीज, जो मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
चैप्टर है वो मैंने आप लोगों को दिखाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक कीजिए एंड वॉच मी माई किड्स। That's all for today. I'm sorry.